नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने निहारी के कुल तीन दोहों के संबंध में चर्चा की थी, उनको पढ़ लिया था। आज नेक्स्ट अगले दोहे के संबंध में बात करते हैं। पिछले दोहे में हमने बात करी थी कि बिहारी जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को उपालम्ब दे रहे हैं कि आपने अब तक किसी गरीब या की सहायता नहीं की, किसी अधम या पापी व्यक्ति का उद्धार नहीं किया है, आप तो वैसे ही संतुष्ट होकर के फिर रहे हो, वास्तव में आपको परमात्मा कहना उचित नहीं है। आज वापस उनसे क्या कह रहे हैं देखो, अगले दोहे के अंतर्गत वो ये कह रहे हैं कि मैं लंबे समय तक याचना पूर्वक स्वर में, यानी दीनता पूर्वक स्वर में आपसे याचना कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरे सहयोगी नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि हो तो आप गए परमात्मा, लेकिन आपको इस संसार की बुरी हवा लगी, आप लोगों की बातों में आ गए हो, इसलिए मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। अब देखो क्या कह रहे हैं, कम कोई लंबे समय से, कब से ठेर, तो मतलब क्या कर रहा हूं, याचना कर रहा हूं, ठेर लगा रहा हूं, दीन रट किसमें, दीनता पूर्वक स्वर में, श्यामन होत साई, भगवान श्री कृष्ण आप मेरे सहयोगी नहीं हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम हो, मतलब तुम्हें किसे, श्री कृष्ण को लागी मत लग गई है, जगत मतलब संसार की गुरु हो तो संसार के गुरु, लेकिन तुम्हें जगत की, यहां ध्यान रखना, इसको आप इसके साथ कॉम्बिनेशन बैठाओगे, जगत जग नायक जग भाई, तुम हो जगत गुरु जग नायक जग भाई, जग भाई का मतलब है जगत की बुरी हुआ, तुम जगत के गुरु हो, संसार के गुरु हो, जगत के स्वामी हो, जग के नायक हो, फिर भी तुम्हें इस संसार की क्या हो गई है, बुरी हवा लग गई है, ध्यान रखना। कब को, कब से कह दीजिए, या लंबे समय से, टेर तू मतलब याचना करना, दीन मतलब दीनता पूर्वक, रट मतलब टेर कह दीजिए या स्वर, श्याम श्री कृष्ण होतना नहीं हुए, सहाय मतलब सहायक, तुम हो, अब वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हो मतलब तुम्हें किने, श्री कृष्ण लागी मतलब लग गई है, जगत मतलब संसार की गुरु, मतलब संसार के गुरु, जगनायक मतलब जगत के या संसार के नायक, कोष्टक में आप कह सकती हो स्वामी, ये ध्यान रखना, जग भाई जगत की
बुरी हवा, लोगों की बातों में आ गए हो, इसलिए आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। कब को टेर तू दीन रट श्यामल होत सहाई, तुम्हाऊ लागी जगत गुरु जग नायक जग भाई। हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, लंबे समय से दीनता पूर्वक स्वर में याचना करते रहने पर भी आपने मेरी सहायता नहीं की है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें इस संसार की बुरी हवा लग गई है, या अपन ऐसा कह सकते हैं मेरे स्वामी, तुम जगत के स्वामी हो, इस जगत के नायक हो, तुम गुरु हो, परमात्मा हो, फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इन लोगों की बातों में आ गए हो, तुम्हें जगत की बुरी हवा लग गई है, इसलिए तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। प्रयुक्त दोहे में श्री कृष्ण को उपालंब दिया गया है कि लंबे समय तक दीनता पूर्वक स्वर में याचना करने पर भी आपने सहायता नहीं की है। प्रयुक्त दोहे में कवि बिहारी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि लंबे समय से दीनता पूर्वक स्वर में याचना करते रहने पर भी आपने मेरी सहायता नहीं की है। हे मेरे परमात्मा, आप जगत के गुरु और स्वामी हो, फिर भी मेरी सहायता नहीं करने के पीछे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको इस मायावी संसार की बुरी हवा लग गई है, इसलिए आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो।
बाकी तो आपको बताइए है ना, अलंकार मैं आपको पहले बता दिए थे, दो अच्छंद आपको लिखना है, इसमें नई बात जो जोड़नी है वो आपको क्या करना है। कवि ने परमात्मा को उपालंब दिया है कि वे इस संसार के लोगों की बातों में आ गए हैं, इसलिए मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। बस बाकी तो कुछ वही सेम ही है, तीन चार बिंदु है वो सेम लिखना है आपको, ठीक है ना। अब तक जो अपन ने चार दोहे पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले दोहे में मैंने आपसे कहा था कि उसकी वो मंगलाचरण दोहा है, और उसमें कवि श्री कृष्ण को रिझाने के लिए किसकी आराधना करता है, राधा जी की आराधना करता है। उसके बाद दूसरे दोहे के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से राधा की प्रिय सखी राधा से सांत्वना के तौर पे ये कह रही है कि तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे सामने इंद्र की अप्सरा का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण जरूर जो है वो तुमसे मिलने के लिए वापस आएंगे, वह तुम्हारे हृदय से कभी दूर हो ही नहीं सकते। उन दो दोहों के बाद में टॉपिक बदल दिया बिहारी जी ने, और उन दो दोहों के बाद में कृष्ण को उपालंब दे रहे हैं कि आप किसी के सहयोगी नहीं हुए, पहले में तो कह रहे हैं कि भाई आप तो ऐसे ही परमात्मा बन के घूम रहे हो, वास्तव में आपने किसी का सहयोग नहीं किया है, दूसरे में कह रहे हैं हो तो परमात्मा अच्छे हो, लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आपने सहायता नहीं की है ना, तो आपको इस संसार की बुरी हवा लगी, बुरे लोगों की बातों में आ गए आप, इसलिए आप मेरे सहयोगी नहीं हुए हो। अब नेक्स्ट जो है आगे के दोहों के अंतर्गत एक दोहा जो है उसमें गोपी जो है वो वहां का कहा गोकुल के वातावरण का वर्णन, मथुरा के नदी की जो यमुना नदी है उस किनारे का वर्णन करी है कि वहां का वातावरण कैसा है, उसके बारे में अपन देखते हैं। इसको एक बार देख लो, आप वापस देख लो, सुंदर देख लो, और फिर इसकी व्याख्या देख लो, फिर अपन नेक्स्ट दोहे के बारे में देखते हैं। ये हो गया, हाँ सॉरी, वो नेक्स्ट जो दो है वो अगला आगे आएगा जो उस यमुना का वर्णन है वो, तो इसमें कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन हुआ है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हो, इस प्रेम से युक्त मन की गति को कोई समझ ही नहीं सकता। ये जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है वैसे वैसे और अधिक पवित्र हो जाता है। विरोधाभास अलंकार का दुआ है कि भाई विरोधाभास अलंकार जो मैंने आपको बताया था क्या है कि केवल और केवल विरोध का आभास हो रहा है, दिख रहा है विरोध शब्दों में तो, लेकिन वास्तविक तौर पर उसमें विरोध नहीं हो, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी केवल विरोध का आभास होता है वहां कौन सा अलंकार होता है, विरोध आभास यानी विरोधाभास अलंकार होता है, ध्यान रखना। अगला जो दुआ है अपना वो किस अलंकार का है, विरोधाभास का अलंकार का है, ध्यान रखना कैसे है उसको अपन समझेंगे। अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, जो जो बूढ़े श्याम रंग क्यों क्यों उजलू हो। यह आपका पांचवां दोहा है ना, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, गति मतलब स्थिति, ज
बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलू होए। देखो सामने विरोध कैसे, जो जो मतलब जैसे जैसे बूढ़े मतलब डूबता है श्याम रंग मतलब काले रंग में, कोई वस्तु है जो किस रंग में डूब रही है, काले रंग में डूब रही है, क्यों क्यों उजलू होए वैसे वैसे उज्जवल हो रही है, मतलब कैसी बन रही है सफेद हो रही है। क्या ऐसा पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि किसी वस्तु को काले रंग में डूबोए और वो क्या हो जाए, सफेद हो जाए। शब्दों में तो विरोध दिख रहा है लेकिन वास्तविक तौर पर जब ये अर्थ अलंकार है ऐसी इस जब इसे इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो वहां पे विरोध है ही नहीं। कैसे, या मतलब इस अनुरागी मतलब प्रेम से युक्त चित्त मतलब मन की गति मतलब स्थिति समझे ना कोई समझ ही नहीं सकता, यानी प्रेम से युक्त मन की गति या स्थिति इतनी विचित्र होती है कि उसे हर कोई व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। जो जो यह जो जो जैसे जैसे बूढ़े मतलब डूबता है गहराई में जाता है श्याम रंग मतलब किसके प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में, क्यों क्यों वैसे वैसे उजलू हो मतलब क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ध्यान रखना। कौन सा अलंकार है याद रखोगे, आपके सिलेबस में भी है विरोधाभास अलंकार, परिभाषा हालांकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं उसको, है ना। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा क्या होगी, वास्तविक विरोध ना होते हुए भी क्या होगा, विरोध का आभास होगा, इसलिए वहां कौन सा होगा, विरोधाभास होगा। तो क्या कहेंगे, पहले शब्दार्थ लिख लो, या का मतलब है अर्थ है इस, अनुरागी का मतलब है प्रेम से युक्त, अनुराग जिसे अपन कहते हैं, चित्त मतलब मन की गति, गति का मतलब है स्थिति, कहाँ कहाँ किधर किधर जा रहा है कोई समझ ही नहीं सकता, दूसरा व्यक्ति उस मन को नहीं समझ सकता, समझे ना कोई, समझे मतलब ना मतलब नहीं समझता कोई, मतलब कोई जो जो जैसे जैसे बूढ़े, बूढ़े का मतलब है डूबना या कैसे दूसरा हाथ गहराई में जाना, श्याम रंग क्या हुआ, एक तो काला रंग कह सकते हैं, दूसरा है श्री कृष्ण के प्रेम में, क्या क्या वैसे वैसे उजलू का मतलब होता है सफेद उज्जवल और एक है पवित्र, उज्जवल भी होता है याद रखना ना, वो ही मतलब हो जाता है। उपयुक्त दोहे में कवि ने श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने वाले मन के पवित्र होने का वर्णन किया है।
प्रयोग दोहे में कवि बिहारी सेठ और इस प्रेम से युक्त मन की स्थिति कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि यह जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है, वैसे वैसे पवित्र होता जाता है। अर्थ आपको ये लिखना, ध्यान रखना, लेकिन दिख विरोधाभास रहा है, इसलिए विशेष में एक बात और विशेष लिखेंगे, कौन सा अलंकार विरोधाभास अलंकार, और दूसरे के अंतर्गत श्री कृष्ण प्रेम में डूबे विचित्र मन की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो देखो, इस प्रेम से युक्त मन की स्थिति समझे ना कोई समझ नहीं सकता, जो जो बूढ़े समझ जैसे जैसे डूबता है साम रंग काले रंग में, मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में त्यों त्यों डूबे, वैसे वैसे कैसा हो जाता है, पवित्र होता जाता है। देख लो इसको, आज अपन ने दो दोहे पढ़े हैं बिहारी जी के, नेक्स्ट क्लास में और अगले दोहों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके पीडीएफ नोट्स तो लगभग आपको मिल गए होंगे, ठीक है ना, आप टेलीग्राम ऐप चेक करना, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है।